गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। हमने शुरू किया था चैप्टर सिविक्स का, स्टेरियोटाइप, प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशंस। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेशंस कैसे होते हैं, भेदभाव कैसे करते हैं हम लोग, हमारी नेगेटिव ओपिनियंस कैसे हो जाती है। हमने डिस्कस किया था, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू पर भी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल्स जो आपके बुक्स में हैं, स्पीचेस के बेस पर भी हमने डिस्कस किया था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं उसी से आगे बढ़ते हुए। प्रेजुडाइस क्या होता है, ठीक है ना? जब हम कोई नेगेटिव थिंकिंग सोचने लगते हैं, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, फिर हमारा नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है। तो उस नेगेटिव थिंकिंग को ही कहा जाता है प्रेजुडाइस एंड स्टेरियोटाइप। तो कैसे होता है ये और किस लेवल तक जाता है वो डिस्कस करते हैं ना। प्रेजुडाइस को अगर आप ईजिली याद रखोगे तो बहुत ईजी है। इसे हम बोल सकते हैं प्रीजजिंग, मतलब किसी इंसान के बारे में उससे जानने से पहले, आप उसे पर्सनली जानती नहीं हो लेकिन आपने उसकी ओपिनियंस बना लिए कि वो कैसा है। जैसे यहाँ पे हमने मान लो एक वही वापस एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ इन द बुक, कि ये जो इस सिक्योरिटी गार्ड ने इनकी किस चीज़ को देख के उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाना, बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, उनकी पहनावे, उनके कपड़े को देख के कि वो गरीब है तो वो अंदर नहीं जा सकते रेस्टोरेंट में। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, तो वो अंदर जाके क्या करेंगे? तो उन्होंने पहले से जज कर लिया। तो ये जजमेंट था जो इनको पहले जानना था, उनसे पूछना था कि आप क्यों जाना चाहते हो, क्या है, उनसे बात करनी चाहिए थी, उन्होंने सडनली उनको मना कर दिया। तो यहाँ पे हो गया विदाउट जजिंग, हमने इनको जज नहीं किया और इन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो इसी को कहते हैं प्री जजिंग, ठीक है। तो प्रेजुडाइस इज प्री जजिंग और फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट अ पर्सन और ग्रुप विदाउट मच थॉट और नॉलेज, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानना या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज हो और आप उसके बारे में अपनी ओपिनियंस जो बना लेते हो, और वो ओपिनियंस जो होती है वो नेगेटिव होती है। व्हेन वी फॉर्म एन ओपिनियंस विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज, उनके बारे में कोई हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है ऑफ द कंसर्न पर्सन, वी टेंड टू सी देम नेगेटिवली, जब हम उनको नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव वे पर ले लेते हैं, एंड कंसिडर देम इनफीरियर, और उनको सोचते हैं वो बहुत छोटे हैं, उनको कुछ नहीं आता है, बहुत ही निचले हैं, इस तरह से सोचने लगते हैं, अपने विचार डाल देते हैं। तो वो हो जाता है, एज अ रिजल्ट वी सब्जेक्ट देम टू डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ हमने भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, उनसे कुछ उनके राइट्स छीन लेते हैं कि नहीं हमें उनके साथ मिक्स नहीं होना, उनके साथ बात नहीं करना, हमें उसके साथ रिस्पेक्ट नहीं करना क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते, इस तरह से। तो ये चीज़ें जब शुरू कर देते हैं तो ये चीज़ें होती है हमें विदाउट नोइंग, उसके बारे में हमने जाना नहीं था लेकिन अपने अपने विचार बना ली, हमने अपना ओपिनियंस जो है बना लिया। दे कैन बी मेनी थिंग्स दैट वी कैन प्री जज अबाउट, तो हम प्री जज किस किस चीज़ों में कर लेते हैं, जैसे रिलीजन्स के ऊपर कर लेते हैं, हर रिलीजन्स का अपना बिलीव अलग अलग होता है, तो हमें उनके बारे में डिटेल्स में नहीं पता है कि उस रिलीजन्स में क्या चीज़ मानते हैं, कैसे मानते हैं। फिर अगर हम उनके ऊपर अपनी खुद की व्यू मान लेते हैं तो वो गलत होता है। इकोनॉमिक स्टेटस, लोग कैसे हैं, नहीं है पैसा, उनको देख के उनकी ब्याह उनकी अपीयरेंस को देख के उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बोलते हैं कि नहीं इनके पास कुछ भी नहीं है। रीजन्स, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से है, जम्मू एंड कश्मीर से है या फिर साउथ से है या फिर राजस्थान से है, बंगाल से, कहाँ से है, उसके हिसाब से फिर लोग उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। उनकी कपड़े को, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, वो जो लैंग्वेजेस बोलते हैं और उसकी कलर्स को देख के कि वो ब्लैक है, वाइट है, और हम शुरू हो जाते हैं उनसे डिस्टेंस बनाना, उनसे बात मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना। तो जिस तरह से अपनी ओपिनियंस हम बना लेते हैं नेगेटिव, तो उसको क्या बोलते हैं, इसी को ही कहते हैं प्रेजुडाइस, मतलब उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, नॉलेज बहुत कम है और आपने जज कर लिया कि वो कैसे लोग होंगे, क्या करते नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, उनको हम बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं, उन लोगों को जिनके बारे में हम ऐसा सोचते हैं। वेन वी ट्रीट पीपल इन एन अनफेवरेबल वे वी टेंड टू हर्ट देम, हम उन्हें दुख पहुँचाते हैं। दैट वी मस्ट अवॉइड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जज नहीं करना चाहिए, जाने अनजाने किसी के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, ना कि हम थोड़ी सी नॉलेज के बारे में ही और उसको हम जज कर लेते कि नहीं ये अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। कैसे सुधार सकते हैं हम, वी मस्ट एजुकेट आवर सेल्फ, हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, उस जगह के बारे में जानना चाहिए, उस रिलीजन्स के बारे में जानना चाहिए, उनकी कल्चर्स के बारे में जानना चाहिए,
लैंग्वेजेस अलग अलग, उनके बारे में जाना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि उनका हमारा रिलीजियस अलग है, क्यों है, क्या ऐसा है उनके अंदर हमारे अंदर। तो उस तरह से हमारे जो ये प्रिजुडाइज जो सिस्टम है धीरे धीरे हमारे समाज से, हमारे देश से ख़त्म हो सकता है, हमारे बीच में से ख़त्म हो सकता है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें अपने आप को एजुकेट करना है उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमें नहीं पता है, उनके बारे में नॉलेज आगे लेना चाहिए, फिर हम उसके बारे में सोचें। ठीक है, अब आता है दूसरा वाला जो था हमने पढ़ा प्रिजुडाइज, पहले हमने डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, अब तीसरा है स्टेरोटाइप। नाउ व्हाट इज स्टेरोटाइप? स्टेरोटाइप इज जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीकंसीव्ड ओपिनियंस अबाउट अ कम्युनिटी और ग्रुप एट अ लार्ज। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रिजुडाइज कहा था, किसी के बारे में ओपिनियंस आगे ले लिया उसे जाने बगैर, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमने उसके बारे में सोच लिया कि वो कैसा हो सकता है। तो स्टेरोटाइप वैसा ही है, जजिंग पीपल, पीपल को जज करना है कि उनकी जो अपीयरेंस है, प्रीकंसेप्ट, वो किस तरह से बोलता है, किस तरह से पहनता है उसके बारे में, और वो एक नहीं, अ पर्सन वो किसी के बारे में होता है, वो कम्युनिटी के बारे में होता है, वो ग्रुप के बारे में होता है, किसी एक के बारे में नहीं होता है। ठीक है, तो वो किसके बारे में होता है? अबाउट अ कम्युनिटी और अ ग्रुप। तो वो हो जाता है उसके बारे में, फिर हम उसके बारे सोच लिया कि वो बंदा ऐसा ही है, तो साथ साथ फिर सभी लोग उस ग्रुप के साथ वैसे ही बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मान लो, जनरली स्टेरियोटाइप्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये स्टेरियोटाइप जो है किस बेस पे क्रिएट होता है? शुरुआत कहाँ से होती है? जेंडर के बेस पे, रिलीजियस के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे भी, एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बेस पे भी। अब एग्जाम्पल से बताया जाते हैं, जैसे हमारे मेनली जो जेंडर बेस पे सभी सब वर्ल्ड में सब जगह होता है, इंडिया में भी होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि वी ऑफन हेयर दैट बॉयज़ आर गुड एट स्पोर्ट्स। जब हम बॉयज़, किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे में हम लोग क्या करते हैं? बॉयज़ और गर्ल्स सोचते हैं, तो ये सोचते पूछते कि बॉय का है या गर्ल का है। अगर बॉय का होता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्पोर्ट्स वाले कुछ सामान ले गए फिर, या फिर कार लेके गए। गर्ल्स का है तो डॉल लेके गए, या फिर हाउस वो किचन सेट लेके गए, इस तरह से उसको देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरियोटाइप, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है, हमने पहले से ही वो जो चीज़ें हमारे दिमाग में बिठा दी गई है कि बॉयज़ जो है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, गुड्स होते हैं, गर्ल्स जो है कुकिंग और हाउस होल्ड के एक्टिविटीज़ में ही रहती है। तो इसी तरह से ये चीज़ हो गई हमारी प्रैक्टिस, जो हमने किया, जो हमारी सोच हमारे दिमाग में बिठा दी गई है, इसी को कहा जाता है स्टेरियोटाइप। ठीक है, तो उस चीज़ को हटाना बहुत मुश्किल है, इट विल टेक अ टाइम। इसी तरह से दिस स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्ट द इमेज ऑफ बॉय एंड गर्ल इन टू वन फिक्स अनफेयर आइडियाज़ ऑफ देयर कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल बताया कि बॉयज़ आर गुड एट स्पोर्ट्स और गर्ल्स कुकिंग में अच्छी है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक इमेजिनेशन बना लिया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में, और दोनों को अलग अलग कर दिया, फिक्स नहीं रखा, उसकी कैपेबिलिटी को नहीं देखा कि शायद बॉय जो है वो कुकिंग भी कुक कर सकता है, गर्ल्स जो है स्पोर्ट्स में भी जा सकती है, उसकी कैपेबिलिटी कुछ नहीं देखा। हमने बस एक आइडिया बना लिया, एक व्यू बना लिया, उसकी प्री कंसेप्ट ओपिनियंस को जज करके उसके ऊपर फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक गर्ल के ऊपर नहीं, कम्युनिटी मतलब पूरी गर्ल्स सभी, इसी तरह से इसको कहा जाता है स्टेरोटाइप। ठीक है, हाउएवर इन रियलिटी गर्ल्स में आउट परफॉर्मेंस, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो देखा जाता है कि गर्ल्स जो है बॉयज से ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करती है, स्पोर्ट्स में हो या किचन में हो, कहीं भी हो। लेकिन साथ साथ ये भी देखा गया कि आजकल बॉयज़ जो है वो कुकिंग में भी बहुत आगे निकल रहे हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था कि बॉयज़ जो है स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, गर्ल्स जो कुकिंग में अच्छी होती है, ये अब वैसा नहीं है, क्योंकि हमने इसको उनके बारे में सोचा ही नहीं था, उनकी कैपेबिलिटी नहीं दिखी थी कि वो कर सकते हैं, उनकी अंदर में शक्तियाँ क्या क्या, वो क्या चीज़ कर सकते हैं। हमने सिर्फ उसके बारे में एक जजमेंट कर लिया था, प्रीकंसेप्ट कर लिया था, और उसी बेस पे हमने सोचना विचार कर लिया था, तो उसी को कहा जाता है स्टेरोटाइप। ठीक है, नाउ सिमिलरली स्टेरोटाइप्स कैन बी फाउंड अमंग द पीपल हु बिलोंग्स टू रूरल एंड अर्बन एरिया, वाइल पीपल हु लिव इन विलेज आर सीन टू बी पुअर एंड बैकवर्ड, पीपल हु लिव इन सिटीज आर कंसिडर रिच एंड मॉडर्न। ये भी कंसिडर माना जाता है, ये भी हमारे स्टेरियोटाइप में हमारे दिमाग में भर दी जाती है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो क्या है, उनको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड है,
क्योंकि वो उनके जो है मेनली वो पुअर है, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो हमसे शहर में जो रहते हैं उनसे अलग होती है, वो बैकवर्ड होते हैं, वो गरीब होते हैं। अब वहीं पर जो शहरों में रहते हैं वो अच्छे रिच पीपल है, मॉडर्न फैमिली है। तो ये कंसेप्ट जो है ये भी हमारा गलत है। क्यों? ये स्टेरियोटाइप है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो गांव में रहते हैं वो गरीब हो और उनके लाइफ स्टैंडर्ड अलग हो। तो ये चीज़ें हैं जो स्टेरियोटाइप जो फॉलो की जा रही है। एवरी इंडिविजुअल इज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी विद अ स्पेशल सेट्स ऑफ स्किल्स, टैलेंट एंड अचीवमेंट। हर इंडिविजुअल के हर इंसान के अंदर कुछ उसकी पर्सनैलिटी होती है अलग अलग, उसकी स्किल होती है, उसके टैलेंट होता है, उसकी खुद की अचीवमेंट होती है। ना क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स हिंडर आवर आउटलुक टुवर्ड द वर्ल्ड। अगर हम लोग इस स्टेरियोटाइप को क्रिएट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको लेके चलते हैं, तो हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं हम उसको ख़त्म कर देते हैं। इट फोर्स अस टू लेबल पीपल एज पर द एजम्पशंस क्रिएटेड बाय द सोसाइटी एट लार्ज इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल फॉर देयर यूनिक ट्रेट्स। तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वहाँ पर हम लोग जो उसकी टैलेंट को नहीं देख रहे हैं, हमारे दिमाग में जो स्टीरियोटाइप ने हमारे भर दिया गया, फोर्स करके दिमाग में लेबल लगा दिया गया कि ये सोसाइटी ऐसी ही है, लोग ऐसे ही है, तो वो चीज़ों को हमने मानना शुरू कर दिया। ना कि वो देखते हैं कि वो जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, उसकी खुद की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बल्कि वो अगर रूरल एरिया में रहता है, गांव में रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है कंपेयर टू जो शहर में रहता है। तो ये चीज़ें हमें जो है हटानी है, हमारी सोच को चेंज करनी है, तभी जाके ये स्टेरियोटाइप और प्रेजुडाइज जो है समाज से हटेगा धीरे धीरे। वो तब होगा जब अपनी एजुकेशन लेवल को आगे बढ़ाएंगे, अपनी सोच को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, तब जाके हमारी थिंकिंग जो है स्टेरियोटाइप और प्रेजुडाइज को अलग करेगी। हम उससे तभी लड़ सकते हैं समाज में, तभी हम आगे सब एक साथ रह सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, ठीक है। ये तीनों टॉपिक जो है उसको अब अच्छे से समझना, अभी तीनों अगर समझ में आ जाएगा तो फिर चैप्टर इजी है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन जो टॉपिक था यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इतना ईजी है, तो ये ज़रूरी है आपको इसको रीड आउट करो, समझो और वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से रीडिंग करना चैप्टर, वो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Till then, we will meet in the next class.